दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube के चैनल एनालिटिका क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बेसिक व माध्यमिक शिक्षा जगत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर प्रकाश डालेंगे। शिक्षा जगत से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। 68,500 शिक्षक भर्ती की स्कैन कॉपी के लिए अभी भी निर्धारित शुल्क जमा करके कर सकते हैं आवेदन। नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने किया स्पष्ट, 68,500 शिक्षक भर्ती की स्कैन कॉपी के लिए अभी भी निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं आवेदन। ने नियामक परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय ने किया स्पष्ट, शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 13 अगस्त को आने के बाद से लगातार परिणाम में मिले अंकों पर परीक्षा देने वाले ही सवाल उठा रहे हैं। शासनादेश के मुताबिक अभ्यर्थी 2,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करके स्कैन कॉपी और उनकी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराने की मांग कर सकते हैं। पूर्व सचिव ने 30 अगस्त तक की समय सीमा तय की थी, उस समय तक करीब 2,500 आवेदन आए, बाद में इसे बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। ऐसे में 5,000 आवेदन आ चुके हैं और हर दिन यह संख्या बढ़ रही है। शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 13 अगस्त को आने के बाद लगातार परिणाम में मिले अंकों का परीक्षा देने वाले ही सवाल उठा रहे हैं। शासनादेश के मुताबिक अभ्यर्थी को 2,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करके उनकी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराने की मांग कर रहे हैं, तब वह अपनी कॉपी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। स्कैन कॉपी उनके ईमेल पर भेज दी जाएगी। तो जिन जिन को भी अपनी कॉपी चाहिए वह कृपया इस के अनुसार करें और अपनी कॉपी प्राप्त करें। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को दबाएं तथा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।